उन्होंने ऑपरेशन भी किया, फिर सक्सेस नहीं हुआ। फिर अच्छा उसके बाद आपसे मिले हम कोटा में, फिर यस आपने बोला कि जयपुर आना पड़ेगा, यस फिर हमने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है। हाँ उसके बाद आपने बोला कि सर्जरी करेंगे, हाँ सर्जरी आपने की, मतलब काफ़ी अच्छे से सांस आ रहा है मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, हमारे साथ है अमन अली जी, मेरे ये पेशेंट हैं। एंड इनको क्या है, कोई नोज़ में प्रॉब्लम थी, समहाउ इन्होंने कोई सर्जरी वगैरह भी करा रखी थी, बहुत ज़्यादा समस्या थी ब्रीदिंग की। हमने इनकी सर्जरी की, बट सबसे पहले तो ये अमन जी से ही हम बात करेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, आज कैसा फील कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इनके पापा से। बेटा, आप बताओगे आपको क्या प्रॉब्लम थी? पहले क्या है, मेरा नाक बिल्कुल ब्लॉक था, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर कोटा दिखाया, अच्छा फिर उन्होंने ऑपरेशन भी किया, फिर सक्सेस नहीं हुआ। फिर अच्छा उसके बाद आपसे मिले हम कोटा में, फिर यस आपने बोला कि जयपुर आना पड़ेगा, यस फिर हमने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि सर्जरी करेंगे, हाँ सर्जरी आपने की, मतलब काफ़ी अच्छे से सांस आ रहा है मेरे को। बेटा, आपको जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार पहले भी ऑपरेशन हो गया, ऐसा नहीं लगा सर मेरा फिर भी वापस ऑपरेशन होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, डर नहीं लगा? फिर डर तो रहता है ना, अभी नाक का मामला है। आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो लगा रहता है ना भाई, फेस अगर कुछ हो जाए तो बिगड़ जाए। बट अब आप अपनी जो नोज पहले थी, जो हमारा नाक था, उससे अब खुश हो, हाँ, सांस आ रहा है बेटा आपसे? अच्छे से है। थैंक यू बेटा। सो दोस्तों, हम मिलते हैं इनके पापा, क्योंकि जो पापा का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक फादर के लिए बच्चे का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। सर, आप बताओ कि बच्चे का जो है अपनी जर्नी इनको कैसे क्या रहा सर? सर बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत पहले भी बहुत दिखाया इसको, कोटा भी दिखाया, ऑपरेशन भी करवाया, सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जब से आपके पास कराया बहुत अच्छा है, अभी इसको सांस बहुत अच्छा सा आ रहा है, आपका जो मकसद था, आपकी जो परेशानी थी, अब ठीक है अभी बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोग खुश हैं बस। सर? थैंक यू सर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है एक डॉक्टर के लिए कि उसका पेशेंट खुश होना चाहिए। आपने कितना भी अच्छा वर्क किया है, आप खुश होने से मतलब नहीं होता है। मेरे जो पेशेंट है अमन, वो खुश है, उनके फादर खुश हैं, तो आई एम ऑल्सो हैप्पी। बिकॉज जैसे मैं आपको बताऊं कि इनका जो बच्चे का जो नोज़ था, जैसे अगर आप ये स्क्रीन पे देखते हैं, तो इनका ये जो नोज़ था, ये काफ़ी बेसिकली बच्चे का डेविएटेड नोज था। ये हमारी मेडिकल लैंग्वेज में क्रूकड नोज होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नोज होता है ये। अगर आप इसको दूसरे व्यू में देखोगे तो ये क्या है, नाक एक तरफ से इस बच्चे का बिल्कुल बंद था, पूरा का पूरा नाक देखो ये एक तरफ जा रखा है ऐसा। एंड समहाउ क्या है, किसी डॉक्टर ने कहीं कोटा में इसको ऑपरेट भी करने की भी कोशिश की, बट ये चूंकि ये नाक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाया था। फिर समहाउ मैं कोई कोटा वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में गया था, तो लकीली ये बच्चा मेरे से मिला वहाँ पे। देन मैंने इनका एग्जामिनेशन करके आई अश्योर कि बेटा ये ठीक हो सकता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि इनका एक ऑपरेशन ख़राब होने के बाद में भी इन्होंने मेरे पे विश्वास किया। देन दे कम फ्रॉम द कोटा, ये कोटा से आए और हमने करीब 6 घंटे में इसने सर्जरी की। एंड सर्जरी करने के बाद में हम जो इस नोज को ब्लॉकेज फ्री किया, एंड आज अमन का जो नोज है वो पहले से जो है वो बहुत ही बेटर है। एंड आई एम हैप्पी कि ये बड़ा परेशान था, मैंने जिस इसको फर्स्ट टाइम देखा, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नोज ब्लॉक था, एंड अब इसके नोज से एटलीस्ट इसको ब्रीदिंग आ सकती है। इसलिए दोस्तों, पेशेंट खुश होता है तो क्या है, डॉक्टर भी खुश होता है। सो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप करा सकते हैं, लेकिन सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जहाँ सर्जरी करा रहे हो एंड आपकी जो परेशानी है उसके बारे में हमें ये देखना है कि मेरी जो समस्या है उसको मेरा डॉक्टर, ये जो मैं चुन रहा हूँ, वो ठीक करने लायक है। क्योंकि बार बार सर्जरी कराने में मेंटली ट्रॉमा होता है, पैसा भी ख़राब होता है, इसलिए एक ही बार में अगर आपका काम होता है तो बढ़िया रिजल्ट आते हैं, एंड पेशेंट भी खुश होता है एंड डॉक्टर भी खुश होता है। थैंक यू सर।